अभी हम देखेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें वेक्टर को जो है हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलता है मुझे दो वेक्टर्स को, अभी तक हमने देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर देखा था, जिसमें हमने क्या किया, एक वेक्टर मुझे दिया हुआ है, इसको मैंने किसी नंबर m से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें मैंने देखा था सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता था, वेक्टर का डायरेक्शन एज इट इज़ रहता था। अब हमें एक सिचुएशन मिली है कि मुझे एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मैं डॉट लगाता हूँ, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आपको मिलता है इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरे प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और उनके बीच में हम एक क्रॉस का सिंबल लगाते हैं, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए क्योंकि इसका जो रिजल्ट है आपको वो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, इसमें हम कैसे क्या करते हैं, ये बात हम समझते हैं। अब देखिए, आपको मान लीजिए पहले हमें समझना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, देखो इस वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इस वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में ये एंगल हो गया, ठीक है। अब अगर एक वेक्टर में ऐसे देता हूँ ए, एक वेक्टर में ऐसे देता हूँ बी, इनके बीच में एंगल क्या होगा, तो मुझे इनके डायरेक्शन को लेना है, ये इसका डायरेक्शन हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया, ये एंगल आ गया। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है थीटा, ये आपका हमेशा 0 और 180 यानी कि पाई के बीच में होता है। पहले हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम उसके बाद करेंगे। तो अभी डॉट प्रोडक्ट में आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए, एक वेक्टर दिया हुआ है बी, तो इसके डॉट, इनके बीच में हम डॉट का सिंबल लगाते हैं, और ये प्रोडक्ट हम करते कैसे हैं, इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। ये बात समझ में आ गई, अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। मान लीजिए ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है, और ये कोई भी एक लाइन है एल, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज लाइन एल। अब हम समझते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर ड्रॉप किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने इस लाइन के ऊपर ड्रॉप किया, ठीक है। तो फिर ये वेक्टर ए बी ये एक वेक्टर हो गया, और इस लाइन में हम इसको पी क्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो फिर ये जो पी क्यू वाला पोर्शन है ना, इस लाइन से हमने मतलब इस ये वेक्टर है हमारा, इस वेक्टर के हेड से मैंने एक परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर ड्रॉप किया, इस वेक्टर के टेल से हमने एक परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर ड्रॉप किया, तो ये जो पोर्शन इस लाइन का मुझे मिलता है,
इतने पोर्शन को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये लाइन एल दिया हुआ है, अब इसी के पैरेलल मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसको मैं सी डाल देता हूं। अब ये ए सी और इस वेक्टर ए के बीच में सपोज एंगल है थीटा, तो मुझे ए सी यहां पे निकालना है, क्योंकि देखिए यहां पे जो ये पी क्यू है ये ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये पी क्यू ये ए सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दे आर बोथ पैरेलल लाइंस और ये परपेंडिकुलर है, तो रेक्टेंगल बन गया, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल, पी क्यू किसके इक्वल हो गया ए सी के। मैं इस ट्राइंगल में ए सी निकालता हूँ, रूल है हमारे पास अननोन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नोन क्वांटिटी, तो यहाँ पे ए सी डिवाइडेड बाय ए बी क्या होगा, इस ट्राइंगल का ये हो गया बेस या फिर एडजेसेंट साइड, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो हम ए सी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी इस वेक्टर ए का लेंथ है, वेक्टर ए का लेंथ मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए, ये बात भी हमने समझी है, किसी भी वेक्टर को हम अगर डायग्राम में बना रहे हैं तो उस वेक्टर की जो लेंथ है वो उसका मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो हम ए सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड कॉस थीटा लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एल इज उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ये डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन समझ में आ गई, आगे हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अभी मान लीजिए आपको एक वेक्टर ये दिया हुआ है और इसका लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसको मैं ओ ए, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को ओ नाम दे देता हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर बी हमने ले लिया जिसका टर्मिनल पॉइंट बी है, अब मैंने क्या किया कि इस ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, इसको सपोज मैंने नाम दे दिया एम। अब डॉट प्रोडक्ट हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी एंड कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल ये हमने समझा था, अब यहाँ पे ये जो ओ एम है हम इसको देखते हैं, ओ एम अपॉन ओ ए ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ये बेस है इस ट्राइंगल में और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ओ एम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ ए कॉस थीटा। अच्छा ओ ए क्या है, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ए, तो क्या मैं इस ओ ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकता हूँ, मॉड ए इंटू कॉस थीटा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरी चीज हमने अभी समझा था, ये जो ओ ए वेक्टर है यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये तो यहाँ पे मिल ही रहा है, हमने अभी समझा था अगर ये एक लाइन है ये एक वेक्टर है, यहाँ से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये जो स्ट्रिप है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस लाइन, तो ये जो ओ एम स्ट्रिप है ये इस वेक्टर ए का इसके ऊपर प्रोजेक्शन है, ठीक, तो हम ए कॉस थीटा को ओ एम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो मॉड्यूलस ऑफ ए और कॉस थीटा है इसको हमने ये मॉड बी को यहाँ पे हटा दिया और ए कॉस थीटा को हमने लिख लिया ओ एम, बट ओ एम इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो हम इसको लिख लेंगे मॉड्यूलस ऑफ बी इनटू
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये बात समझ में आ गई, हम ए डॉट बी को लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और इसको एक और चीज हम लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। देखो बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और इसी तरीके से ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो हमें कई बार क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए आते हैं तो वहां पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, इसके प्रूफ हमें जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करेंगे, है ना। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको एग्जांपल्स में समझाऊंगा। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसको हम यहां पे डॉट लगा हुआ है, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी डॉट सी, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए डॉट सी एंड बी डॉट सी। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है इफ कंडीशनल है ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो फिर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमें जीरो मिलता है तो जरूरी है कि वो दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, या तो फिर किसी एक का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, या तो किसी एक का मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए या फिर दोनों किसी एक का मैग्नीट्यूड जीरो अगर नहीं है तो फिर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हम इसको जो है ये जीरो वाला केस तो नहीं लेंगे, लेकिन एग्जाम में मोस्टली आपको जो क्वेश्चन है परपेंडिकुलर पे बेस्ड आएंगे, है ना, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हमें कोई एक वेक्टर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और मैंने कोई स्केलर क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई की, तो आप उस स्केलर क्वांटिटी को किसी भी ऑर्डर में किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर डॉट निकाल सकते हो। जैसे आप इसको पहले ए से मल्टीप्लाई करो फिर बी के साथ डॉट करो तो भी चलेगा, इसको आप ए डॉट एम बी अगर करो तो भी चलेगा, ए डॉट बी करके फिर एम निकालो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये सब की वैल्यू सेम होगी। दूसरी चीज़, अगर मैंने एक नंबर एम लिया एक नंबर एन लिया और ए डॉट बी निकालना है, तो आप इसको एम ए डॉट एन बी ऐसे भी करो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, आप इसको एन ए डॉट एम बी ऐसे करो तो भी आंसर सेम आएगा, है ना, या फिर आप एम एन को पहले मल्टीप्लाई करो, किसी भी ऑर्डर में करो मैटर नहीं करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान में रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब हम देखेंगे वो है मॉड ए का स्क्वायर। अब देखिए क्या है कि
आप इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिख सकते हो। क्यों ऐसा? इसका हम लॉजिक समझते हैं। देखो, ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब ये तो एक ही वेक्टर है, तो ये वेक्टर अपने साथ क्या एंगल बनाएगा? ज़ीरो। कॉस ज़ीरो कितना होता है? वन। तो हम इसको वन लिख लेंगे, मॉड ए बन गया, मॉड ए बन गया, मॉड ए इंटू मॉड ए क्या बन जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर। तो हम बेसिकली ए डॉट ए जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? मॉड ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमें करने हैं। दूसरी चीज एंगल। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। कभी भी आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको एंगल निकालना होगा दो वेक्टर्स के बीच में। सपोज एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो हमें मालूम है ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। तो हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो कभी भी एंगल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा बस निकालेंगे और बोल देंगे कि एंगल इज सच दैट उसका कॉस ये है। अगर मुझे वैल्यू मालूम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया और कॉस थीटा मुझे 1/2 मिल गया। अब मुझे मालूम है कॉस 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे, तो मैं एंगल 60 लिख दूंगा। अदरवाइज अगर मुझे कॉस थीटा मान लीजिए 3/4 मिलता है, अब मुझे नहीं मालूम है 3/4 कब होता है, तो मैं लिख दूंगा एंगल इज सच दैट थीटा इज कॉस इनवर्स 3/4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। अब हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं इस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस प्रूव करने होंगे, वो हम देखते हैं कैसे। अभी आपको एक बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी बोली है, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर एंड 2a डॉट b। ये आपको प्रूव करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो, इसमें हमें सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है और बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर मुझे वेक्टर ए का स्क्वायर निकालना है, कभी भी देखो वेक्टर ए ये वेक्टर है, लेकिन द मोमेंट मैंने उसे स्क्वायर बना दिया वो मैग्नीट्यूड बन जाता है। क्यों ये हमने समझा था? क्योंकि अगर मैं इस वेक्टर को इसी से डॉट करता हूँ तो ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉस 0 मिलता है, तो ये तो 1 हो गया, तो आपको मॉड ए का स्क्वायर मिलेगा। तो किसी भी वेक्टर को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? उसका मैग्नीट्यूड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इस मैग्नीट्यूड को निकालना चाहते हैं, तो हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर ए लिखो या मैग्नीट्यूड ए लिखो, एक ही बात है ना। तो हमने क्या किया, पहले ए डॉट बी, अब इससे हमें प्रूव करना है, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा। अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, देखो ए डॉट ए निकाला था, ए डॉट ए निकाला था, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका इसी से डॉट निकालते हैं, डॉट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और बी
बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ए डॉट ए को हम मॉड्यूलस ऑफ ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बात हमने यहाँ पे देखी है। ए डॉट ए हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर, जिसको हम मॉड ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बी डॉट बी हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, बीच में हमारे पास ए डॉट बी बच गया। बी डॉट ए को हम अगर ए डॉट बी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात है, है ना। आपको यहाँ पे जब भी कुछ कर रहे हो आपको ब्रैकेट्स में यहाँ प्रॉपर्टीज मेंशन करनी होंगी। इसके बाद ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया, इसको हम पहले लिख लेते हैं, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया प्लस ये ए डॉट बी और ए डॉट बी जब ऐड होगा ये हो जाएगा टू ए डॉट बी, ये हो गया हमारा प्रूफ। इसी तरीके से अगर हमें बोला होता a माइनस बी, ये भी बहुत सिंपल है। अगर मुझे वेक्टर a माइनस वेक्टर b मॉड्यूलस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोला है मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर माइनस टू a डॉट b, इसको भी हम एग्जैक्टली वैसे ही प्रूव करेंगे। देख लेते हैं आप क्या करोगे, यहाँ पे ये LHS लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वी नो दैट करके लिख सकते हो। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी डॉट a माइनस बी, जब भी मुझे स्क्वायर निकालना है मैं हमेशा डॉट प्रोडक्ट लूंगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a a के साथ ए बी के साथ, माइनस बी और ए ये हो जाएगा माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, सॉरी ये ए डॉट ए था, आई एम सॉरी, ए डॉट ए हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर, इसको हमने ए डॉट बी एज इट इज रहने दिया, बी डॉट ए को हमने ए डॉट बी कर लिया, बी डॉट बी हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर टू ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं आगे लिख लूंगा, इसको पीछे लिख लूंगा, मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखना, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। आगे भी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे बताऊंगा। अभी हम और देखते हैं किस किस टाइप के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें आपको बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, सपोज आपको बोला है वैक्टर ए इज इक्वल टू टू आई प्लस थ्री जे एंड 5k, ये रैंडमली हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। और सपोज आपको b दिया हुआ है 5y एंड j एंड 2k, ये आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे बोला है फाइंड, सपोज ये क्वेश्चन है a डॉट b एंड हेंस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो यहाँ पे वो कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट, कॉस थीटा यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। पहले देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए डॉट बी निकालना मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए डॉट बी मुझे निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 2i 3j 5k, हम इसको लिख लेंगे 2i प्लस 3j प्लस 5k डॉट b, b की वैल्यू कितनी है 5i प्लस j प्लस 2k। इसके बाद वेरी सिंपल,
हमेशा डॉट प्रोडक्ट में हम याद रखेंगे आई सिर्फ आई से मल्टीप्लाई होगा और किसी से नहीं होगा, जे सिर्फ जे से मल्टीप्लाई होगा और किसी से नहीं होगा, के सिर्फ के से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद आई हट जाएगा, जे हट जाएगा, के हट जाएगा। तो 2 × 5, देखो आई और आई है तो आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 5 हमने लिख दिया 10, 3 और यहाँ पे है 1, तो 3 × 1 = 3, जे कंपोनेंट जे हट जाएगा, फिर के के 5 × 2 = 10, के और के कंपोनेंट हट जाएगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट मुझे मिल गया 10 + 10 = 20 + 3 = 23, ए डॉट बी मुझे मिल गया 23। ठीक है, सिंपल है। अब इसका रीज़न हमने आई आई से जे जे से के से क्यों किया, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो देखो, हमने पढ़ा था ए डॉट बी होता है मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ बी एंड कॉस थीटा। अब देखो आई एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, आई जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस कितना होगा 0 डिग्री, अब कॉस 0 होता है 1, लेकिन आई जब जे से मल्टीप्लाई होगा, आई और जे के बीच में एंगल है 90 डिग्री और हमें मालूम है कॉस 90 क्या होता है 0, तो इसीलिए देखो आई को अगर मैं जे से मल्टीप्लाई करूँ 0 मिलेगा, सिमिलरली आई को के से मल्टीप्लाई करूँ 0 मिलेगा, इसलिए हम वो कॉम्पोनेंट लगाते ही नहीं है, तो सिर्फ आई आई से जे जे से के से, क्योंकि जे भी जब आई से मल्टीप्लाई होगा 0 मिलेगा, जे के से मल्टीप्लाई होगा 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो ये तो सिंपल रूल हो गया हमारे पास कि हम क्या करेंगे, आई को सिर्फ आई से और जे को सिर्फ जे से, के को सिर्फ के से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़ आपको पूछी है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल निकालने के लिए सबसे पहले मैंने ए डॉट बी निकाला, अब आपको मैंने एंगल में बताया था कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी। ए डॉट बी मैं निकाल चुका हूँ, अब मुझे मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी चाहिए, तो मैं मॉड ऑफ ए निकालूंगा। मॉड ऑफ ए बहुत सिंपल है, जो आई के साथ कॉम्पोनेंट है, आई के साथ जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर, के साथ जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा 4, 9, 25, ये हो जाएगा 29 and 38। मॉड्यूलस ऑफ बी निकालते हैं, ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, जे के साथ 1 है एंड के साथ है 2 स्क्वायर, विच इज 5 का स्क्वायर 25, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, ये हो गया आपका 30। मुझे निकालना क्या था, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी हमने निकाला 23, मॉड ए हमने निकाला 38, मॉड बी हमने निकाला 30, ये हमारा आंसर आ गया। तो एंगल इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 30। ठीक है ना, सिंपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला फाइंड ए प्लस 3b डॉट 2a - b इफ वेक्टर ए इतना दिया हुआ है, वेक्टर बी इतना दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। देखो मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए प्लस 3b ये निकालूंगा। तो a प्लस 3b क्या हो जाएगा, मैं a की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू है i प्लस j प्लस 2k प्लस a की वैल्यू आ गई 3b, हम लिखेंगे 3b की जगह 3i लिख लेंगे, 2j लिख लेंगे, माइनस k लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आपको मिल जाएगा आई जे
k, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, ये मिल गया. अब i को i से ऐड करते हैं, 9 plus 1, 10, i, j and j, 6 plus 1, 7, j, 2 minus 3 is minus k, ये मिल गया. अब मुझे नेक्स्ट चाहिए 2a minus b. हम लिखेंगे 2a minus b is equal to 2 multiply by vector a की वैल्यू कितनी है, i plus j plus 2k. हम लिख लेंगे i plus j plus 2k, आगे माइनस है b, b की वैल्यू हम लिख लेंगे 3i 2j and k. 2 1s are 2, ये हो गया 2j and 2 2s हो गया 4k. 3i ये हो जाएगा माइनस 2j प्लस k. अब मुझे सॉल्व करना है, 2 माइनस 3 ये हो गया माइनस i, 2j माइनस 2j कैंसिल हो जाएगा, 4k प्लस k ये आ गया. मुझे क्या करना है, इन दोनों का डॉट निकालना है. तो मैं लिखूंगा therefore a plus 3b डॉट 2a minus b, a plus 3b कितना निकाला हमने, 10i 7j and k डॉट 2a minus b minus i plus 5k. रूल i i के साथ होगा, j j के साथ होगा, k k के साथ होगा. ये i, ये i मल्टीप्लाई, 10 वन्स आ 10, j यहाँ पे करस्पॉन्डिंग j नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो j नहीं है मींस व्हाट, 0 j, 0 into anything is 0, k, k, 5 1's are 5, कितना मिल गया, minus minus plus, 10 plus 5 is 15, this is my answer. एक और example देखते हैं, आपको बोला find the value of p for which the vectors this and this are perpendicular. उसी में दूसरा क्वेश्चन है parallel. पहले हम इस perpendicular वाले क्वेश्चन को करते हैं. आपको बोला है ये perpendicular है, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, if a and b are perpendicular, a dot b is equal to 0. क्यों, इसका भी रीजन, a dot b होता है mod a, mod b cos थीटा, लेकिन परपेंडिकुलर बोला हुआ है मतलब थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री. कॉस 90 कितना होता है, 0, 0 इनटू एनीथिंग इज 0. तो ए डॉट बी आपको हमेशा 0 मिलेगा जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे. इस कंडीशन को हम यहां पे लगाते हैं, आप फर्स्ट पार्ट करोगे, फॉर ए परपेंडिकुलर टू बी a dot b must be equal to 0, और a की वैल्यू डाल देते हैं, डॉट b की जगह i p into j 3 into k must be equal to 0. डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है, हमने समझा था i i के साथ, j j के साथ, k k के साथ, 3 into 1 i हट जाएगा, 2 into p j हट जाएगा, 9 into 3
के हट जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो. 27 प्लस 3, आपका आंसर आ गया. P इज वॉट? -15. दूसरी चीज हमें यहां पे बोला है कि अगर ये पैरेलल हुए तो पैरेलल में ये हमारे डॉट प्रोडक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा. पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने पीछे पढ़ा था, इफ ए पैरेलल टू बी देन सम वैल्यू लैम्डा इंटू बी, जहाँ पे लैम्डा इज सम स्केलर. दूसरी चीज, अगर ए वन आई ए टू जे एंड ए थ्री के, और आपको दिया हुआ है लेट्स से बी वन आई बी टू जे एंड बी थ्री के, अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ए वन अपॉन बी वन, बेसिकली आई आई के कोफिशियंट का रेशो, जे जे का कोफिशियंट का रेशो और के के का कोफिशियंट का रेशो सेम होना चाहिए. अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. आपको बोला है दिस ए एंड बी आर पैरेलल, तो ए आपके पास है 3i 2j 9k, b है आपके पास i pj and 3k. अगर ये पैरेलल है 3 और 1, 2 अपॉन p 9 अपॉन 3 इक्वल होना चाहिए. पहले हम इन दोनों को वेरीफाई करते हैं. 3 3 9, तो ये मेरे को 3 मिल गया, ये भी मुझे 3 मिल रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो गए. अब मुझे सिर्फ इसको मैच करना है, तो P मुझे कितना मिल जाएगा, P को इधर, 2 को 3 को इधर, तो ये हो गया 2 अपॉन 3. तो पैरेलल के लिए 2 अपॉन 3 होना चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए -15 होना चाहिए. ठीक है, ये हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हम देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड्स √3 and √2 रिस्पेक्टिवली एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू √6. अच्छा, हमें मालूम है एंगल के लिए फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी. ए डॉट बी मुझे कितना दिया हुआ है, मॉड ए कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड √3 और √2, ये हो गया. अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है. अब देखो, ये जो 6 है इसको मैं √3 into √2 ऐसे लिख सकता हूँ, ये बात तो हमें मालूम है. देखो, √6 हो गया, √3 into √2 is 6, इसको √3 और √2 सेपरेट करके लिख लेते हैं. ये हो गया √3 और √2 कैंसल हो गया, 2 अपॉन √2 √2 अपॉन 2. अच्छा, इस 2 को हम √2 into √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 into √2 वापस 2 मिलेगा. कैंसिल, क्या मिल गया, ये किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की. कॉस थीटा मुझे कितना मिल गया, 1 अपॉन √2. कॉस 1 अपॉन √2 कब होता है, व्हेन एंगल इज 45 डिग्री या फिर π/4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हैविंग सेम लेंथ √2 एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज -1. यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो मुझे ए डॉट बी -1 दिया हुआ है और मॉड ए मॉड बी √2 दिया हुआ है. लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला वही लग जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी. ए डॉट बी हमें मिला -1,
मॉड ए हमारे पास, मॉड बी हमारे पास रूट टू रूट टू है, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू हो जाएगा टू। तो बेसिकली मुझे कॉस थीटा माइनस वन अपॉन टू मिल गया। अब कॉस थीटा माइनस वन अपॉन टू कब होता है, 120 डिग्री पे, देयर फोर थीटा इज 120 डिग्री और 2π/3, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला इफ दिस 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 एंड दिस रिस्पेक्टिवली आर द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी, फाइंड एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। बहुत सिंपल है, एंगल निकालना है मतलब, एंगल अगर आपको बोला है निकालना है मतलब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मेरे को ये दोनों वैक्टर्स चाहिए। अब मैं मुझे चाहिए कि मैं पहले ए बी निकालूँ, फिर सी डी निकालूँ, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूँ। तो ये जो पॉइंट है ये ए दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है ये बी दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है ये सी दिया हुआ है, और दिस इज डी। मुझे चाहिए ए बी। रूल हमने पीछे पढ़ा था, अगर मुझे ए बी निकालना है तो बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। बी की पोजिशन क्या है, 2i 5j, ए की पोजिशन है i j k, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपको मिल जाएगा 2i + 5j - i - j - k। आई माइनस आई, 2i - i हो गया आई, 5j - j = 4j, एंड के कॉम्पोनेंट नहीं है तो हम सिंपली k लिख लेंगे। ये हमें ए बी मिल गया। सिमिलरली सी डी पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पॉइंट दैट इज डी पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। डी का पोजिशन वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ सी एंड 3k, ये हमने लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया i - 6j - k - 3i - 2j + 3k, i - 3i, ये हो जाएगा -2i 6j - 2j, देखो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8j एंड माइनस के एंड 3k, ये हो जाएगा +2k, ये मिल गया हमें। अब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका, यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, -2 हमने कॉमन लिया i, ये हो गया +4j एंड -k। एग्जैक्टली मुझे यही चीज़ मिल रही है, दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल है ना। फिर भी हम डॉट प्रोडक्ट के रूल से निकालते हैं, देयरफॉर एंगल कॉस थीटा हो जाएगा ए बी डॉट सी डी अपॉन मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ सी डी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमें कितना मिला है, सी डी की वैल्यू हमें मिल गया -2i - 8j - 2k।
ऐसे तो हमें समझ में आ गया ये पैरेलल है, फिर भी हम एंगल निकाल के देखते हैं क्या ये एक्चुअली में पैरेलल मिलता है। अब मैं सबसे पहले मॉड ए बी निकालता हूं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 16 प्लस 1, दैट इज 17 एंड 18। मॉड सी डी निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर ये हमें मिल गया √72। अब मुझे ए बी डॉट सी डी निकालना है, ए बी की वैल्यू लिखेंगे, सी डी की वैल्यू लिखेंगे, आई आई के साथ होगा -2, 4 × 8 = 32 विद अ माइनस साइन, -2 ये आपको मिल गया 34 36। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे ए बी डॉट सी डी कितना मिला, -36, मॉड ए बी मुझे कितना मिल गया, √18 एंड दिस इज √72। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं √18, 18 4 ज़ा, इसको हम एक सिंगल रूट में भी कर सकते हैं, दोनों रूट में तो सिंगल रूट में कर लेते हैं, 18 का पेयर 4 का रूट हो गया, 18 2 ज़ा 36, एवरीथिंग कैंसिल 1, तो मुझे कॉस थीटा कितना मिल गया, -1। कॉस 1 कब होता है, 0 डिग्री, -1 कब होता है, 180 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज पाई और 180 डिग्री, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आपको बोला फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। पहले हम एक कॉन्सेप्ट को याद करते हैं जो हमने डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा था, वो ये कि ए डॉट बी जो है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये बात हमने समझी थी। मैं क्या करता हूँ, इसको ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, आपको बोला फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो हम देखो ये रूल लेते हैं, ए डॉट बी होता है मॉड बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो मुझे इतना पोर्शन चाहिए, इसको यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं,
की वैल्यू है हमारे पास 7i, j 4k, डॉट b की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट आई आई के साथ, जे जे के साथ, के के साथ, 7 × 1 × 6, 4 × 3 = 12, ये हो गया 2 and 6 = 8, ए डॉट बी मुझे 8 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एंड दैट इज 4, 36 एंड 9, दैट इज 40 एंड 9, 49, दैट इज 7। प्रोजेक्शन निकालना था, क्या है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए डॉट बी, दैट इज 8 अपॉन 7। ये हमारा आंसर, क्लियर है।